हेलो आर हॉबी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज हम लहसुन वाली हरी मिर्च बनाएंगे। और हेलो गाइस, आशा करते हैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ कर लेना। ये हरी मिर्च को हमने अच्छे से धो लिया था 2-3 बार, और अब इसको साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इस तरह करके हम सारी मिर्च पोंछ लेंगे। तो ये मिर्च पोंछने के बाद इसमें जो लहसुन, धनिया पाउडर, राई, आमचूर और नमक ले लिया है, और एक सिलबट्टे पे ये लहसुन को पीस लेंगे। अगर पीस कर मिर्च में भरेंगे तो मसाले भी अच्छी तरह से भरे जाएंगे, फ्राई करते टाइम निकलेंगे नहीं। अब ये लहसुन पीस गई है, और अब इसमें ये जो सूखे मसाले हैं ये मिला देंगे। राई, नमक, आमचूर, धनिया ये मिला दिया है। अब इसको भी लहसुन के अंदर मिला लेंगे, सिलबट्टे से ही मिला लेंगे। और ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मिर्च है, इनको लंबी लंबी कट कर लेंगे, एक साइड से ही कट करेंगे, पूरी नहीं कट करेंगे, ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से भरे जाएं। अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हो तो ज़्यादा मसाला तैयार कर लें, और बीज निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालूंगी, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। इस तरह करके हम सारी मिर्च भर लेंगे। तो ये इस तरह मसाले भरेंगे तो फ्राई करते टाइम नहीं निकलेंगे। तो ये आप ज़्यादा मसाले भी भर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा भरना पसंद है मिर्च तो ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं। तो इस तरह ये मैंने सारी मिर्च फिल कर दी हैं, और ये कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, और तेल में ये सारी मिर्ची छोड़ दी। अब इसको चला चला कर पका लेंगे, ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये उलट पलट करके जिधर से बन जाए उधर से पलट देंगे, और जिधर से नहीं होगा वो नीचे कर देंगे। तो इस तरह करके हम ये सारी मिर्च फ्राई करते रहेंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मिर्च बहुत ही टेस्टी बनेंगी, और ना ही तीखी है ये। तो अगर मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, लाइक शेयर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राम राम।